देश का आम बजट कल पेश किया गया, इसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बजट को शानदार बता रहे हैं, वहीं विपक्षी कह रहे हैं कि इसमें कई खामियां हैं। बात की जाए तो बिहार में भी इसकी सुगबुगाहट तेज है। आरोप प्रत्यारोप के बीच में जहाँ राष्ट्रीय जनता दल के साथ तमाम विपक्षी दलों ने इस बजट पर सवाल खड़े किए, वहीं सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बजट का स्वागत किया। बात की जाए तो जेडीयू के नेता और संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमें इस बजट से बिहार के स्पेशल स्टेटस को लेकर काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन बिहार के लिए कुछ भी इस बजट में नहीं था। इसको लेकर जब हमने सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सब सांसद संजय जायसवाल से, तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को आईना दिखाने का काम किया है। यूं कहें तो उन्होंने कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में औकात नाप दी है। बात की जाए तो संजय जायसवाल ने कहा कि जो बातें उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं उसका जवाब हमारे पार्टी के MLC देंगे, हम किसी MLC के जवाब का नहीं लेते। क्या कुछ कहा है संजय जायसवाल ने, आप उनका पूरा ये बयान सुनिए। और कोई विधान पार्षद क्या कहता है वो हमारे विधान पार्षद जवाब देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उद्योग को बहुत सकारात्मक बताया है और इस माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी बढ़ाई की है और जो 1,00,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए इसमें रखा गया है, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार सरकार का जब बजट आएगा तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी लेंगे। और माननीय वित्त मंत्री जी स्वयं विभिन्न विभागों से बात कर रहे हैं और इसके कितने ज़्यादा लाभ ले सकें, खास करके उद्योगों में बिहार को आगे बढ़ना पड़ेगा। हम जो सहयोगी दल बने थे, हमने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना के तहत काम किया था और जिन नौकरियों का हम लोगों ने वादा किया है वह केवल उद्योगों के द्वारा ही संभव हैं और इसलिए बिहार को औद्योगिकरण की दिशा में यह बजट भी पूरे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करता है। इसमें किसी भी प्रदेश का कोई जिक्र नहीं है, आप पूरा बजट उठा के देख लीजिए, क्योंकि यह योजना हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के लिए है और जो हमारा शेयर होता है केंद्र सरकार का, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बाद हमसे ज़्यादा आबादी है महाराष्ट्र की, हमसे बराबर की आबादी है बंगाल की, उनसे भी हम 5% ज़्यादा पैसा बिहार सरकार को मिलता है और बिहार सरकार के अपने भी तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ेगा। यह नहीं चलेगा कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल पैसा कमाए और दूसरे प्रदेशों को दें। बिहार प्रदेश को आत्मनिर्भर बिहार बनने का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम औद्योगिकरण की दिशा में बढ़ें और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार का जो बजट आएगा वह उद्योगों को बढ़ावा देने वाला बजट होगा।